नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो अभी कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल जो कि 29 मार्च से शुरू होने वाला था वो पोस्टपोन होकर 15 अप्रैल हुआ। और उसके बाद अब जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को और आगे बढ़ाकर 15 अप्रैल तक ही कर दिया, तो अब आईपीएल के अप्रैल में होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। हाँ, आईपीएल को अब जुलाई से सितंबर के पीरियड में शिफ्ट जरूर किया जा सकता है। तो इसी बारे में इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स का, कि इन दोनों में से कौन सी टीम ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो अभी भी जो अपडेट्स निकल कर आ रही है उसके हिसाब से आईपीएल पूरी तरीके से अभी तक भी कैंसिल नहीं हुआ है, यानी कि आईपीएल के होने के चांसेस 90% है। और हम सभी फैंस भी यही आशा करेंगे कि आईपीएल हो और कोरोना वायरस का जो खतरा है वो जल्दी से टल जाए। अब बात करें कंपैरिजन की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आज तक कुल 25 मैचेस हुए, जिसमें से आरसीबी ने 10 मैच जीते, वहीं केकेआर ने 15 मैच जीते। अब कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में केकेआर के पास है शुभमन गिल, सिद्धेश लेड, नीतीश राणा। आरसीबी के पास टॉप ऑर्डर में है पार्थिव पटेल, आरोन फिंच और विराट कोहली। अब अगर इसको देखा जाए तो केकेआर के पास टॉप ऑर्डर में काफी यंग प्लेयर्स है, वहीं आरसीबी के पास काफी धुरंधर प्लेयर है जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और काफी बढ़िया फॉर्म में भी है। तो उस हिसाब से अगर हम मार्किंग्स दे तो आरसीबी को यहाँ पर 100 में से 60 मार्क्स मिलेंगे, वहीं पर केकेआर को 40 मार्क्स मिलेंगे। बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है इयोन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसेल और पेट कमिंस। वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास है एबी डिविलियर्स, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस और वाशिंगटन सुंदर। अब यहाँ पर अगर केकेआर का मिडिल ऑर्डर देखे तो यहाँ पर इयोन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसेल और पेट कमिंस काफी धुरंधर खिलाड़ी है। आरसीबी के पास मेन खिलाड़ियों की बात करें तो एबी डिविलियर्स काफी बढ़िया फॉर्म में है। उस हिसाब से अगर हम मार्किंग की बात करें तो केकेआर के मिडिल ऑर्डर को यहाँ पर मिलेंगे 55 मार्क्स, वहीं आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को हम देंगे 45 मार्क्स। लोअर ऑर्डर की बात करें तो लोअर ऑर्डर में केकेआर के पास है सुनील नरीन, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और शिवम मावी। वहीं आरसीबी के लोअर ऑर्डर में हमारे पास है डेल स्टीन, उमेश यादव, नवदीप सैनी और युजवेंद्र चहल। अब यहाँ पर अगर लोअर ऑर्डर को देखा जाए तो दोनों ही टीमों का जो लोअर ऑर्डर है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है। जब ये फॉर्म में होते हैं तो पूरी टीम को संभाल लेते हैं, लेकिन जब ये फॉर्म में नहीं होते हैं तो टीम इनसे नहीं संभलती है। तो उस हिसाब से इनके लोअर ऑर्डर की परफॉर्मेंस तो मैच में ही देखते बनेगी, और इसी वजह से इनको अगर मार्किंग्स दी जाए तो दोनों ही टीमों के लोअर ऑर्डर को 50-50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी आरसीबी और केकेआर में मैच होगा तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी और देखना काफी रोमांचक होगा कि कौन सी टीम इस मैच को लेकर जाती है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।